HBN न्यूज, जो सच वही खबर। पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को करेंगे किडनी दान। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव को सहरसा जिले के जनप्रतिनिधि प्रवीण आनंद पति पत्नी देंगे किडनी दान। वहीं प्रवीण आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से वे बीमार चल रहे हैं। उनको अगर कभी भी किडनी की जरूरत पड़ेगी तो हम पति पत्नी किडनी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना ही मेरे ऊपर किसी का दबाव है और ना ही किसी के दबाव में हूँ। अपनी मर्जी से किडनी दान दे रहा हूँ। जब भी जरूरत होगी मैं दूंगा किडनी दान। वहीं प्रवीण आनंद ने बताया कि गरीबों का मसीहा, गरीबों को मुंह में आवाज देने वाले, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले श्री लालू प्रसाद यादव को करेंगे किडनी दान। बिहार के सहरसा से शमसुल होदा की रिपोर्ट। हर वक्त शोषित, पीड़ित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यानी समाज के अंतिम पायदान पर बसे हुए लोगों को उन्होंने आवाज दिया, मुंह में बोली दिया, सड़क से उठा करके सदन में भेजने का काम किया, तो निश्चित तौर पर है गरीबों के वो मसीहा हैं। और उनकी स्थिति दिनों दिन, तबीयत उनकी गिरती जा रही है। जानकारी मिली कि उनको किडनी चाहिए, क्योंकि किडनी काम करना बंद कर दिया है। हम दोनों पति पत्नी तय किए हैं कि उनको किडनी हम दान देंगे, ताकि उस तरह के नेताओं की जरूरत है समाज में। अभी उनका जिंदा रहना जरूरी है और उनके स्वास्थ्य की हम लोग सुबह कामना भी करते हैं, और हम लोग किडनी देने के लिए दोनों आदमी तैयार हैं, ताकि उनको जब भी जरूरत पड़े बस एक बार कहेंगे, हम दोनों पति पत्नी जाकर के पटना में उनको किडनी देने का काम करें।